तो फाइनली गाइस अपने इंडियन मैकड्रैन 3D गेम के अंदर आ चुका है एक न्यू अपडेट। एंड इस न्यू अपडेट के बाद हमारे गेम के अंदर न्यू बस को ऐड कर दिया गया है। और जिस बस को हमारे गेम के अंदर ऐड किया गया है वो बहुत ज्यादा लग्जरी है, बहुत ज्यादा स्टाइलिश और मॉडर्न है। तो गाइस अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग अपने इंडियन मैकड्रैन 3D गेम के अंदर इस बस को कैसे ले सकते हो, उसका क्या चीट कोड होने वाला है। तो गाइस पहले तो प्ले स्टोर पर जाओ और इंडियन मैकड्रैन 3D गेम को अपडेट कर लो, क्योंकि जब तक आप अपने गेम को अपडेट नहीं करोगे तब तक आप इस बस को अपने गेम के अंदर नहीं ले सकते। गेम को अपडेट करने के बाद आपको गेम को फिर से प्ले करना है एंड अपना फोन निकाल के इसमें डायल करना है 5599। यदि आप ये डायल कर दो आपके सामने आ जाती है बस। और भी हमारे न्यू अपडेट में काफी सारी चीजें आई है, मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। इस बस को मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर से कैसी दिखती है। अंदर आने का फीचर तो नहीं है, हम बाहर से ही देख लेते हैं अंदर से कैसी लगती है इसकी सीटें। वाह भाई वाह, बहुत अच्छी लगती है ये बस, काफी ज्यादा अच्छी है एंड ये बड़ी फ्यूचरिस्टिक है। एंड इसके डोर भी काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं एंड इसके टायर्स भी ज्यादा अच्छे हैं। और आप लोग इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ कैसे कर सकते हो। जैसे आप नॉर्मल सभी चीजों को करते हो वैसे ही कर सकते हो बस का भी। फिर उसको कर देते हैं RGB। RGB करने पे कैसे लगती है, RGB करने पे ये काफी ज्यादा बढ़िया लगने लगती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं RGB करने पे कितना प्यारी लग रही है। इसे पीछे से भी दिखा देता हूँ कि पीछे से आपको कैसी नजर आएगी RGB कलर में। पीछे की तरह आपको ये बिल्कुल रियल की तरह फील देती है। एक ऑप्शन भी खुला है उसके बारे में आपको बताऊंगा। और हमारे गेम में जो चीट मोड वाला सेक्शन था वो डिसेबल हो चुका है। गुड न्यूज तो ये है उसकी कोई चीज नहीं गई है, जैसे कि हमारी ईगल उगल कुछ नहीं गई है। एक नया टूल खुला है, उसका क्या फ्यूचर है, आप लोग उससे कैसे यूज कर सकते हो, वीडियो में पता चलने वाला है, आगे देख लेना। उस फीचर को आपको यूज करवाने के लिए एक ऐप आती है जो कि रोहित गेमिंग स्टूडियो की है, जो डेवलपर ने प्ले स्टोर पे पब्लिक कर दिया है, बट वो अभी आने में टाइम लगेगा, 1 वीक तक लग सकता है। जब तक वो ऐप नहीं आएगी आप उस वाले ऑप्शन को यूज नहीं कर सकते हो। वो ऐप पब्लिक होती है प्ले स्टोर पर तो मैं आपको सब कुछ कोड बता दूंगा उस ऐप के कैसे यूज करते हैं उस ऐप को।